ऑडियो जंगल। नमस्कार, लोक हस्तक्षेप के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेह के दौरे पर पहुंचे। इस एलएसी के इस दौरे को लेकर चीन ने आज एक बयान जारी किया। उसने कहा कि किसी भी पक्ष को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि इस मौके पर माहौल और ज्यादा खराब हो जाए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजिन ने कहा कि मौके को हल्का करने और माहौल में बदलाव के लिए भारत चीन दोनों संपर्क में हैं। चीन के विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय आया है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से लेह के दौरे पर पहुंचे हैं। आज सुबह 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित नीमू बेस पर प्रधानमंत्री पहुंचे। उन्होंने सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख मौजूद थे। तनाव के बीच प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे से चीन को यह बता दिया कि वह एलएसी की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे में चीन को एक सख्त संदेश दिया है और चीन इस नापाक हरकत का भारत मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में खड़ा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि चीन को इंच इंच बढ़ने की कुटिल चाल साउथ चाइना सी में चल सकती है, लेकिन भारत के साथ उसकी दाल नहीं गलने वाली। भारत चीन को पीछे धकेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरे को लेकर कई और बातें भी कही जा रही हैं। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों का यह मानना है कि लद्दाख जाकर प्रधानमंत्री ने एक बेहतरीन कार्य किया है और लद्दाख के मोर्चे पर जो चीन को एक संदेश देना था कि वह चीन को पीछे खदेड़ने के लिए दृढ़ संकल्प है, यह संदेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आगे चीन के मामले पर घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ते हैं और भारत किस प्रकार चीन को उसकी असलियत बताता है। आज के अंक में इतना ही, फिर आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।